नमस्कार, मैं मधुबाला, आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो चलिए एक नजर डालते हैं देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों पर। लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। बता दें, 3 महीने के बाद यह कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में नौकरी रोजगार फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक 4:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में बुलाई गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से गुरुवार को लेटर भी जारी किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने मंगलवार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पर चाचा पशुपति पारस उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि वो प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। पशुपति पारस ने एक्स पर मंगलवार को लिखा कि बड़े बेटे चिराग पासवान को बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल और पीके मिश्रा पर फिर भरोसा जताया। अजीत डोभाल, पीके मिश्रा, अमित खरे और तरुण कपूर को पीएम मोदी की टीम में फिर से जगह मिल गई है। डोभाल और मिश्रा को उनके कार्यकाल के दौरान वरीयता में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। नियुक्ति के बाद अजीत डोभाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बिहार में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, तेजस्वी यादव ने मीडिया में आज नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में जिस प्रकार गोलियां चल रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, यह साफ दिखता है कि कानून जो है वो पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पा रहा है। खेसारी लाल यादव इन दिनों अपने फिल्म रंग दे बसंती के चलते चर्चा में है। बता दें, उनके फैंस का खूब प्यार मिल रहा है उन्हें। वही पैन इंडियन रिलीज की गई इस फिल्म के कलेक्शन की भी गुंज हर तरफ सुनने को मिल रही है। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। इस खास मौके पर एक खास गीत मोदी सरकार तीसरी बार राम शंकर ने बनाया है। इसे अरुण गोविल और भजन सम्राट पद्माश्री अनूप जलोटा के करम कमलोक द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया। इस मौके पर संगीतकार दिलीप सेन, गायक सलमान अली समेत गेस्टेस मौजूद रहे। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 19 जून के लिए निर्धारित कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा और समय दिए जाने के अनुरोध के बाद सुनवाई को स्थगित कर दिया है। शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन जोरदार एक्शन दिखा। बता दें, बाजार के प्रमुख इंडेक्स हैबिटेट स्टॉक्स में खरीदारी के चलते रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे। निफ्टी ने शुक्रवार को पहली बार 23,490 का रिकॉर्ड लेवल टच किया। अंत में 60 तक पद किया और उसी पे बता दें आपको कि उससे बंद नहीं हो पाया है। जैसे मोहम्मद ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। वायरल वीडियो में आमिर नाम के जैसे मोहम्मद के आतंकी ने मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे दी है। उसे कहते सुना जा रहा है कि हमारी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया गया है, अब इसे बम से उड़ा दिया जाएगा। आतंकी कह रहा है कि हमारे 3 साथी कुर्बान हुए हैं और अब इस मंदिर को गिराना ही होगा। T20 वर्ल्ड कप अब दूसरे पड़ाव में पहुंचने वाला है। बता दें कि अब तक सुपर 8 के लिए 5 टीमें तय हो गई है। अब 3 टीमें सुपर 8 के लिए फिर से तय होगी। बता दें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीकी टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने में सफल हो गई है। तो ऐसे ही देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।